राय साहब आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब अभी दो दिन पहले बयान आता है दुष्यंत के पिताजी अजय सिंह चौटाला बोलते हैं 10 MLA है MLA है जो उनका इस्तीफा मेरी जेब में है, मतलब आपको क्या लगता है इस्तीफा जेब में ही रहेगा क्या? नहीं अगर है तो दिलाएं, फिर झूठ बोलने के क्या जरूरत पड़ी है जी। अगर इस्तीफा है तो दिलाएं, कम से कम बीजेपी को पता तो चले और ये भी पता चले कि किसानों के पक्ष में कौन है। तो झूठी बातें करके, किसानों के पक्ष की बातें करके थोड़ी ना माना जाएगा कि ये किसानों के पक्ष में है। तो ये झूठी झूठी बातें तो सब जो पॉलिटिकल लोग करते हैं, उनकी बात का सत्य कोई नहीं मानता। क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई, अरे ये सरकार में उनका हिस्सा है सरकार का, तो जब ये पूरे के पूरे दुष्यंत जी खुद आए, पूरी अपनी टीम लेके पूरे इस्तीफा दें, सरकार को तोड़ें, अगर सरकार टूटती है बीजेपी की तो ये वहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक बात जाएगी। क्यों टूटी है भाई ये सरकार? अभी तक ये लग रहा है उनको, दिल्ली वालों को, कि ये जो किसान बैठे हैं शायद ये उनसे कोई अलग हैं, ये इनकी वोट उनको शायद नहीं पड़ती। तो अब ये तो किसानों को फिर आगे सोचना पड़ेगा ना कि अगर इलेक्शन आती है तो दुष्यंत की जो पार्टी है उसके लिए वोट देना है नहीं देना है, तो अब किसान सोचेंगे। अगर ये उनके पक्ष में नहीं आएंगे तो फिर भाई आगे कल क्या देखेंगे, इनके पास से क्या लेंगे? एक बात तो कृषि कानून अब है, बोलना है उनका बयान आ गया कृषि कानून अब है, दुष्यंत चौटाले ने साइन थोड़े करे है, दुष्यंत क्यों इस्तीफा मांग रहे हो? तब इस्तीफा मांगना तो जो 10 MP हरियाणा 5 राज्यसभा है सांसद है उन तक मांगो इस्तीफा मांगना तो। अरे 5 सदस्य जाते हैं, झगड़ा होता है तो कत्ल होता है, तो कत्ल करने वाला एक होता है लेकिन पर्चा सभी पे दर्ज होता है। तो ये भाई शामिल है इस क्राइम में, ये क्राइम किया है भारत सरकार ने, किसानों के गले का फंदा बना के ये कानून डाल दिए, तो बड़ा क्राइम किया है और इस क्राइम में दुष्यंत चौटाला शामिल है इसमें। तो एक और बात है जी, CM बदलने का ट्रेंड साल बढ़िया है, 6 CM बदल लिए, 7वां हरियाणा में बदलेगा कि नहीं, 7वां सूबा होगा कि नहीं? देखिए ये तो अब किसान फैसला करेंगे, मजदूर फैसला करेंगे मिलकर आगे क्या होता है, आप धीरे धीरे देखिए आगे होता क्या है, क्या होता है आगे, आगे पता चल जाएगा। क्योंकि बंगाल में ये कहते थे हम सरकार बनाएंगे बीजेपी वाले, तो वहाँ भगा दिए, यहाँ इनका हेलीकॉप्टर तो नहीं उतरने दिया गया, और इनकी दशा ये है कि इनका कोई नेता जाके कहीं उद्घाटन नहीं कर पा रहा, तो अब ये सरकार बनानी तो दूर की बात है, कैसे जा पाएंगे, ये कैसे सरकार बनाएंगे? सरकार तो CM नया ही बनेगा, अब वो देखो कौन बनता है, वो समय आने दीजिए, समय जो है वही इस पे जो है फैसला करता है। CM बदली होगा हरियाणा का? अरे सब बदली होगा, ये सब पॉलिटिकल, अब आप ये मानकर चलिए पूरे भारत की सत्ता में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने ये गंदगी फैला रखी है ये सबको बाहर करना है, अब भारत को वही सोने की चिड़िया बनाना है जो आज से 1947 से पहले जिसको माना जाता था, तो सोने की चिड़िया वो बनानी है, ये पूरा गंदबंद बाहर किया जाएगा।